राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी में फूट की खबरों से इनकार किया। साथ ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री राजद में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये लड़ाई पूरे बिहार में, अब हम आ गए दिल्ली से, भले हम बीमार थे और हमारा टाई अप भी होता रहेगा, लेकिन बढ़िया से नीतीश कुमार को हम टाई अप कर देंगे। बड़ा भारी श्रृंखला घोटा है, इसका सरकार अल्पमत में है। बीजेपी से डाइवोर्स होने के बाद सब तरह का हथकंडा का इस्तेमाल किया, तब पैदल चल के हमारे विधायक आए हैं, वो जो लिखा हुआ है वो 6 बजे हम और टाइप करा के सब पेपर आप लोगों प्रिंट मीडिया को, प्रकाश को, दोनों प्रकाश को। लालू यादव ने कहा कि नीतीश की मानसिक हालत ठीक नहीं है और राजद के सभी विधायक एकजुट हैं। पार्टी की मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए विधायकों की बैठक होने जा रही है। संविधान में संविधान के अंतर्गत अधिकार दिए हुए हैं और स्पीकर पर न कोई दबाव डाल सकता है और न स्पीकर पर किसी का दबाव पड़ सकता है। कुछ मामलों में निर्णय लेने के लिए स्पीकर ही एकमात्र अथॉरिटी है और इस मामले में स्पीकर ही एकमात्र अथॉरिटी है कहने के लिए चाहे जितनी बातें लोग बोल दें उससे कोई मतलब नहीं। हालांकि आरजेडी ने दावा किया है कि 13 भागी विधायकों 6 लौट आए हैं, साथ ही ये भी दावा किया है कि कुछ और विधायक भी जल्द वापस आ सकते हैं। विधानसभा में राजद विधायक दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार की अल्पमत की सरकार इस तोड़फोड़ के पीछे शामिल है। न्यूज़ 1 ब्यूरो।